नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आदित्य के साथ बने रहिए। हम कुछ दिन पहले आपको कुछ बताए भी थे कि जो MySSS के बारे में अपडेट करने के लिए कि अपडेट किस तरीके से होगा। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ कल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं प्लीज़ एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तत्काल पहुँचे, हमारी वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच के आप पास देखने की रिक्वेस्ट करें। और आप लोगों से आग्रह ये है कि जो भी आप लोग MySSS चलाते हैं, पंच करते हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड या सुपरवाइजर जो भी हैं वो इस चीज़ को ध्यान दें कि जो भी आप MySSS चलाते हैं तो उसमें अपडेट के लिए आपको वर्जन के लिए आपको बताया गया था कि 2.2.3 करके वर्जन आया है जो आपको अपडेट करना है। तो उसको अपडेट करने से पहले हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि अपने MySSS ऐप को खोलना है कि अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं होता है तो प्ले स्टोर में जाना है आपको और MySSS ऐप खोलना है और उसमें MySSS फोन में तो इंस्टॉल होगा, अनइंस्टॉल होगा तो उसमें अनइंस्टॉल भी नहीं करना है, इंस्टॉल भी नहीं करना है, उसको डायरेक्ट अपडेट करना है। अपडेट पे जाइएगा, अपडेट पे ऑप्शन अपडेट पे अपडेट कीजिएगा, उसके बाद अपडेट पे जाने में ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद से आपको देखना है कि हमारा जो है जो पंचिंग किए थे पंचिंग हमारा है कि नहीं। अगर उसको अनइंस्टॉल अनइंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका संभावना होता है कि जो आपका ड्यूटी पंच लगा रहता है वो उड़ने का संभावना रहता है। तो बेशक आप इस चीज़ के लिए जानकारी ले सकते हैं, हम आपको नया नया अपडेट देते रहेंगे। बिल्कुल आपके देखिए आपके नोटिफिकेशन भी आया होगा आपके मोबाइल पे इस तरीके से, तो आप बिल्कुल बेशक देख सकते हैं कि ऐसे ही आया होगा आपके नोटिफिकेशन। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को देखिए और पढ़िए आप लोग, बिल्कुल आप लोग दबाइए। और आग्रह है आप लोग कि बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों से निवेदन है।